आइए महाभारत के युद्ध को चलते चलते कई दिन हो जाते हैं लोगों, और इधर से भी बाणों का प्रहार हो रहा है और उधर से भी अर्जुन के रथ पर प्रहार हो रहा है। सजनों ऐसा बताते हैं इस रागनी के माध्यम से कि जब अर्जुन ने बाण मारा तो ऐसा बताते हैं कि कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता है, और जब उधर से कर्ण ने बाण चलाया तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हट जाता है। जब 3 कदम पीछे अर्जुन का रथ हटता है तो श्री कृष्ण भगवान के मुंह से निकल जाती है, अरे वाह वाह कर्ण। तो इस वाह कर्ण की आवाज की ध्वनि जब अर्जुन के कानों तक पहुंचती है तो कहने लगता है कि महाराज आप युद्ध में मेरे सहयोगी बनकर के आप मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन आप प्रशंसा तो मेरे दुश्मन कर्ण की कर रहे हैं, मैं इस बात का कारण जानना चाहता हूं। आइए सजनों अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान के सवाल जवाब दोनों के क्या हवाला इस रागनी के माध्यम से बताया क्या, आइए कैसे महाराज सुनिए, मैं अर्जुन और आप कृष्ण भगवान। अच्छा हाँ जी, ये हमारा सनी भाई कहाँ है हो गए कहाँ चले गए बीच में? अच्छा कोई बात नहीं, सहयोग में बने रहो। आइए हे केशव हे कृष्ण भगवान, हाँ आप इस रणभूमि में युद्ध में मेरे साथ मेरे सहयोगी बनकर के आप मेरा साथ निभा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आपके मुख से मैं अपने उस दुश्मन करण की प्रशंसा सुन रहा हूं। दुश्मन करण? हाँ, लेकिन वो प्रशंसा करने लायक है। मैं उस प्रशंसा का कारण जानना चाहता हूं। कारण जानना चाहते हो? बिल्कुल, और अपने सवाल करिए मैं उसका कारण बताऊंगा। पक्की बात? पक्की बात। सुनिए महाराज मेरी बात सुन लिए, सुनो आप नोट करा लीजिए। हाँ मरूंगा। मरेगा? हाँ क्यों मरेगा? अगर मुझे इस शाबाशी का कारण ना पता चला, छत्री मरा नहीं करते, आधा तो बहम में मर जाऊंगा। अच्छा, क्योंकि मुझे पता है उधर से जब कर्ण का प्रहार हुआ तो मेरे रथ को 3 कदम पीछे हट गया है। अच्छा, लेकिन इसमें भी कोई शाबाशी की बात नहीं है। ओहो, जब मेरी तरफ से प्रहार किया गया तो उसका रथ भी 7 कदम पीछे हट गया है। इसका भेद जानना चाहता है? बिल्कुल, कारण जानना चाहता है। कर अपने प्रश्न। सुनिए महाराज। हाँ, के हाय मरूंगा, अरे बतला दो ये भेद। बच्चा कट जाने से फिर कर्ण को शाबाशी क्यों, रथ मेरा 3 कदम हट जाने से, कर्ण को शाबाशी क्यों, रथ मेरा 3 कदम हट जाने से। भाई मैं तो गया मान मन में, हे रे रे हे
जब यो ढंग से फिर आगे क्या हालात अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन हो कदे मुख से दूं मैं काठ रे हाय का से दूं मैं काड़ हाड़ फेल हो तेरा धनुधारी मरूंगा बतला दो ये खुश होकर के हमारे कैप्टन साहब आप भी 100 रुपए से आशीर्वादित करते हैं, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सजनों अगली कली के माध्यम से क्या बताया कि हे केशव हे कृष्ण भगवान हाँ आप जिस करण की प्रशंसा कर रहे हैं उस करण ने मेरी नजर में कोई ऐसा कार्य नहीं किया है। उस करण ने तेरी नजर में ऐसा कार्य नहीं किया लेकिन करण ने ऐसा काम कर दिया तू 3 जन्म तक भूल नहीं सकता। अगर ऐसे कई करण भी अगर मेरे सामने युद्ध भूमि के अंदर भाई साहब आवाज बढ़ाओ इसकी देखो आप देखो किसका लेवल किस कितना है। कोई बात नहीं हेलो देखो बहुत बहुत धन्यवाद 100 रुपए करणवीर फौजी साहब आप फिर देते हैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे कई करण भी मेरे सामने युद्ध भूमि के अंदर आ जाए अच्छा तो मैं उनको भी कुछ नहीं मानूंगा। और वीरेंद्र डोलचा जी आप भी 100 रुपए देते हैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कई करण तेरे सामने आ गए कई करण एक ना 100 करण भी अगर मेरे सामने आ गए तुझ पे एक करण का तो सामना नहीं हो पा उनको भी धूल में मिला दूंगा अगर अच्छा। हाँ 100 करण भी अगर मेरे सामने आ ओहो घमंड की बात कर रहा है अर्जुन घमंड की बात नहीं कर रहा है। और सुन हे केशव तेरे घमंड को आज चकना चूर ना कर दिया मैंने तो मेरा नाम भी कृष्ण नहीं मेरी बात सुन लो कहिए किसी को भी खबर नहीं अरे सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने खबर नहीं सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने खबर नहीं और थोड़ी सी हो रे भाई थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन मान तो पता नहीं धूल रण में बाण को चटाया करण 3 लोक 3 कदम पाछे ने हटाया करण 3 कदम 3 लोक पाछे ने हटाया करण हाय बाण जब मारे बार के जो सरे Thank you.
हमारे डॉक्टर साहब मुनायल कुकरेती जी, आप 500 रुपए देकर के हमें और हमारी टीम को आशीर्वादित करते हैं, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए तीसरी कली के माध्यम से सजनों, क्या बात होती है, क्या हवाला दोनों का आमने सामने बनता है, कैसे तीन कदम तीन लोग पाछे ने हटाया कर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बिल्कुल भी इस बात का विश्वास नहीं है। अच्छा, ये तो जब युद्ध भूमि के अंदर हो रहा है अपने बचाव में आगे पाछे कदम हटा और बढ़ा के लड़ना पड़ता है, लेकिन मेरी नजर में करण ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, हे केशव हे कृष्ण भगवान, जिससे आप मेरे प्रतिद्वंदी मेरे दुश्मन करण की प्रशंसा कर रहे हैं। तेरा बहम मिटाऊंगा। मेरा बहम नहीं मिटेगा स्वामी। अच्छा सुनिए फिर, लेकिन मैं इस ऐसे जैसे कई करण भी अगर मेरे सामने आ जाए हाँ, तो मैं घबराने वाला नहीं। अच्छा सुनिए मेरी बात, कहिए। और ये हमारे नहार सिंह जी, आप भी 50 रुपए देकर के मान सम्मान कर रहे हैं, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बताया कैसे हाँ। भगवान हाँ, मैं आपके चरणों में वंदना करते हुए ओहो मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूँ। हाँ क्या घुटने पे? आपने मेरे आंखों पे जो अंधकार की पट्टी थी उसे खोल दिया। अच्छा, वास्तव में मुझे इस बात का ज्ञान नहीं रहा कि रथ की बुर्जी पर स्वयं हनुमान जी पवन पुत्र हनुमान विराजमान है। बिल्कुल, पहियों की धुरी में शेष नाग लिपटे हुए है हाँ, और मेरे सजनों रथ पर सवार सारथी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं, और फिर भी मेरे रथ को 3 कदम पीछे हटा दिया। अगर काश प्रभु आपकी कृपा ना होती तो शायद मेरे परखच से उड़ा देता ये करण, धूल में मिला देता एक मिनट। हे प्रभु हाँ, आपने मेरे अहंकार की पट्टी को खोल दिया। अच्छा मुझे ज्ञान करा दिया इस बात का, ज्ञान करा दिया। अब तो इस करण से आप ही मेरी जान बचा सकते हो। बचा लो जान। बिल्कुल मेरी जान बचाओ। अपने कर्म और धर्म पे रहे। बिल्कुल बिल्कुल कर्म धर्म पे रहे। अपनी मेरी बात सुनिए। क्या बता दिया? हेलो 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 भाई अंधेरा आंखों में हेलो हेलो अंधेरा आंखों में छा गया रोशनी
बचा दो प्रभु, जानते हो हाल जाल माया का रचा दो प्रभु, भूलो ना एहसान जान मेरी करण से बचा दो प्रभु, भूलो ना एहसान जान मेरी करण से बचा दो प्रभु। और जीत और हार रण में, जीत और हार रण में अपने कर्म की होगी राज बल, उठाओ बाण बात क्या शर्म की होगी, लटन सिंह लवे चारण में जीत तो धर्म की होगी, लटन सिंह लड़े चारण में जीत तो धर्म की होगी। हाँ दे चित चिंता ने मेट रे, हाय मेट रे, चित चिंता ने मेट